नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जालौन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा मारते हुए अवैध असलाहों के साथ बड़ी मात्रा में असलाह बनाने वाले उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि हमारी करौंदा पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने इकोना के जंगल में छापा मारकर अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त गंगाराम अहिरवार को अवैध असलाह बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है, जो काफी शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज है और करीब 10 वर्षों से अवैध तमाचा बनाने का काम कर रहा था। पता लगाया जा रहा है कि यह जनपद में किन किन स्थानों पर और किन लोगों को हथियार बनाकर बेचा जाता था। इस जालौन से अनुज पाटकर की एक खास रिपोर्ट। एक कदौरा पुलिस ने एक तमंचा की फैक्ट्री पकड़ा है, जिसमें एक बंदूक बरामद हुई है और कई अर्धनिर्मित तमंचे, एक निर्मित तमंचा है और भट्टी पकड़ी गई है। आरी जो भी फैक्ट्री के सामान होते हैं वो सब पकड़े गए हैं। ये काफ़ी शातिर किस्म का है और ये काफ़ी लोगों को बना कट्टा बेच चुका है। उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि किसको किसको बेचा है, कहाँ कहाँ बेचा है। सर, इसका आपराधिक इतिहास कोई पहले भी? हाँ, एक बार इसके पहले भी ये जेल जा चुका है। कब से बना रहे थे फैक्ट्री और कितने रुपए में कट्टा बेचते थे? अभी तो वो बताया है कि मैं 3,000 रुपए में बेचता हूँ। कब से बना रहे थे, कब से फैक्ट्री चल रही है, कितने लोग हैं? अभी पुनः कब से चला रहा है इस बारे में तो नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन इसके पहले 2 साल पहले वो गिरफ्तार हुआ था। कुछ और लोगों का नाम बताया उनकी तरह से? नहीं, किसी और का नाम नहीं बताया, ये अकेले बनाता था। ओके, थैंक यू।